आपकी बातें बड़ी उलझी हुई हैं, जिसको समझना बहुत मुश्किल। मिस्टर प्रेम, ये जो केस है ना, उससे ज्यादा उलझा। आप खैर कुछ ये क्या जानना चाहते हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोमनाथ के गांव में वो कौन सा शख्स है, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ आपके पिताजी की दोस्ती थी या जान पहचान थी? आपके सवाल का मतलब मेरी समझ में नहीं आया। सुप्रीम, मैंने सवाल इशारे में पूछा और मैं उम्मीद कर रहा था कि आप जवाब भी इशारे में देंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ सुनना चाहते हैं तो सुनो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोमनाथ के गांव में ये जो हथियारों की तस्करी चल रही थी, उसमें सोमनाथ के साथ और कौन था? ये तो सालों पुरानी बातें हैं, सुनते सच है या झूठ ये तो नहीं पता। वैसे यहाँ तक पूछने के बजाय आप जेल में भैया से पूछते तो ज्यादा बेहतर होगा, वो आपके सवाल का जवाब दे दे शायद। चाचा, पापा से क्यों? अगर इनको पूछना ही है तो जाके धनंजय से पूछे कि सोमनाथ का कत्ल किसने करवाया था। सोमनाथ के कत्ल के पीछे किसी का हाथ हो सकता है तो वो है धनंजय। ये आप कैसे कह सकते हैं? आप मिलने के लिए धनंजय से मिलकर आ रहे हैं और ये बात सब लोग जानते हैं कि धनंजय सिंह अस्पताल से घर वापस आ चुके हैं और इस समय उस हालत में नहीं है कि कुछ समझ सके या कुछ कह सके या बता सके, क्योंकि उनकी यात्रा टल चुकी है। देखो बन गए ना, अब तक धनंजय सिंह कानून को गुमराह कर रहा था और आप भी गुमराह हो गए। क्या बकवास कर रहे हैं? बकवास नहीं, ये सच्चाई है कि आप जैसा ऑफिसर भी धनंजय सिंह की असलियत समझ ना सका। जबकि सच्चाई ये है कि धनंजय सिंह याददाश्त जाने का नाटक करके खुद को कानून से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब तक वो कोशिश ही नहीं बल्कि अपने आप को कानून से बचा कर रख रहा है। अफसोस की बात है इंस्पेक्टर, अपने आप को आप काबिल कहते हैं जबकि आप भी धोखा खा गए। सच्चाई यही है जो मैं कह रहा हूं। पूछना है तो जाके धनंजय से पूछिए कि वो कानून से बचने के लिए अब तक कितनी चालें चलता रहा है। और आपको इस सवाल का जवाब भी वही देगा कि उसके किस आदमी ने सोमनाथ को गोली मारी। जाइए और जाके पूछिए उससे। किडनैपर के चुंगल में से तो बहुरानी छूट कर आ गई।
लेकिन जब से आई है पता नहीं क्यों उसने अपने आप को कमरे में बंद करके क्यों रखा है। दरअसल वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। अरे बहू, वो आएगी, हम सबों के बीच बैठेगी, हंसेगी, बोलेगी, तभी तो उसके दिल से यह सदमा दूर होगा। हाँ भाभी, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। और वैसे भी हमने यही प्लान बनाया था, यही सोच करके वो लोग बाहर जाएंगे तो मन बहल जाएगा। नहीं नहीं चाचा जी, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। आरती जैसे ही सदमे से बाहर आ जाएगी मैं उसे सबसे पहले मां शेरावाली के दरबार ले जाऊंगा। क्योंकि मेरी आरती को मां पे बड़ा विश्वास है। जय माता दी। मैंने तो वंदना को भेजा है उसे बुलाने के लिए। आप देखते हो वो अपने कमरे से आती है या नहीं। माँ जी, अरे बहू आओ बैठो। आओ बहू बैठो। हमेशा क्या सोचती रहती हो, गुजरी हुई बातों को भूलना ही पड़ता है। हाँ बहू रानी, गुजरी हुई बात को कोई कब तक याद करेगा। मैं तो बस इसी इंतजार में हूं कि कब मैं बहू रानी के हाथों का खाना खाऊंगी। जरा देखो तो सही बहू रानी के हाथों का खाना कैसा होता है। लेकिन यहां इस बात का ख्याल ना ही बहू रानी को है और ना ही घर में किसी को। ऐसी कोई बात नहीं है बुआ, अक्सर गुजरी हुई बातें ही हमें सताती हैं। फिर आरती के साथ तो इतना बड़ा हादसा हुआ था। बुआ, समझने वालों के लिए आंसू होते हैं और ना समझने वालों के लिए पानी। खैर, खाने की क्या बात है, हमारी आरती आपको ऐसा खाना बना के खिलाएगी कि आप भी याद रखिएगा कि आपकी इस घर में अहमियत क्या है। वैसे आप तो यही हैं, कहीं जा तो रही नहीं है। लेकिन मैंने तो यही सुना है कि तुम दोनों कहीं बाहर जा रहे हो। फिक्र मत कीजिए छोटी बबी, जाने से पहले
बहू अपने हाथों से खाना बनाकर आपको जरूर खिलाएगी, लेकिन कब? क्या इसके लिए भी मुझे इंतजार करना पड़ेगा? नहीं बुआ जी, दरअसल इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा। मैं आज ही आपके पसंद का खाना बनाती हूँ। नहीं बहू, आज नहीं, तुम कल से रसोई संभालना। क्योंकि कल मैंने घर में पूजा रखी है, पूजा हो जाने के बाद तुम अपने हाथों से खाना बनाना, ठीक है? हाँ माँ सही कह रही आरती। तुम्हें इस घर से ज्यादा अपना ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारी हर खुशी में ही हमारे परिवार की खुशी है। कल पूजा के बाद हम सब लोग तुम्हारे हाथों का बना खाना खाएंगे। वैसे भी बुआ कल तक तो रुक ही सकती है। हाँ ठीक है। और हाँ बहू, आज और कल ये दो दिन का वक्त है तुम्हारे पास। तुम और प्रेम अच्छी तरह सोच लो कि कहाँ जाना है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कहीं बाहर घूम फिर कर आओगे तो तुम दोनों को अच्छा लगेगा। अरे बहू, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? मधुरी माँ मक्खन दो। बाप जेल में पड़ा है और बेटा बहू के साथ हनीमून पर जाएगा। देखते हो। मिस्टर प्रेम, अगर उन्हें पैसों का लालच था तो उन्होंने पहले फोन क्यों नहीं किया? क्या वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जब पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा तब वो फिरौती की रकम मांगेंगे? मैंने किडनैपिंग के बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारे केसेस जहां पर पैसों के लिए किडनैपिंग की जाती है, लेकिन किडनैपर्स वक्त नहीं गंवाते, फिरौती की रकम फौरन मांगते हैं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं किया गया। पता नहीं आप लोग ये जानकारियां मुझे देना उचित समझें न समझें, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि जैसे ही ये जानकारी मुझे मिल गई तो सोमनाथ के कत्ल का जो राज है वो अपने आप खुल जाएगा। सोमनाथ के मौत के पीछे सच्चाई क्या है वो मैं सामने लेकर आऊंगा, और जो चेहरा इस खतरनाक खेल के पीछे है ना, मैं उसे बेनकाब जरूर करूंगा, भला ही वो चेहरा आपका हो, आपका आपका या फिर आपका। मैं ये जानना चाहता हूं कि सोमनाथ के गांव में वो कौन सा शख्स, वो कौन सा इंसान है जिसके साथ आपके पिताजी की दोस्ती थी या जान पहचान थी। क्या कह रही है दीदी? वही जो सच है, और इस सच के बारे में सोचने के लिए ना ही तुम्हारे पास वक्त है और ना ही ऋषि के पास। मंजर का पता है नहीं और तुम दोनों अंधेरे रास्ते पर चले जा रहे हो। दीदी मैं समझी नहीं। कल तक नहीं समझी, अब तो समझो।
एक भाई भाई का दर्द समझ सकता है, एक बहन भाई का दर्द सिर्फ इसलिए समझ सकती है क्योंकि खून एक है। भाई का फर्ज निभाने के लिए क्राइम ब्रांच से ऋषि ने अपनी नौकरी छोड़ दी। भैया अगर यहाँ होते तो भाई होने का फर्ज वो जरूर निभाते, लेकिन भैया यहाँ है नहीं और तुम्हारे और ऋषि के बारे में सोचने वाला इस घर में कोई नहीं है। मधुरिका, दीदी आप सच कहती हैं। वैसे भी प्रेम बाबू उन्हें कुछ नहीं समझते, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूं। मतलब तुम इस घर की दूसरी बहू, इस घर के प्रति तुमने अपने सारे फर्ज निभाए, लेकिन इस घर ने तुम्हें क्या दिया? कुछ नहीं। इस घर को तुम अपना भी नहीं कह सकती। इस घर में पहले तुम्हारी जो इज्जत थी अब वो भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि आरती बहू बनकर इस घर में आ गई। तुमने देखा ना क्या ठाट है उसके, दिन भर वो आराम करती रहती और तुम किचन में काम करती रहती हो। इसका क्या मतलब हुआ? क्या तुम इस घर की नौकरानी हो? इस घर में जितनी इज्जत है वो देखकर तो मैं भी सोच में पड़ जाती हूँ। कितना फर्क है मुझ में और उसमें। अपनी इज्जत, अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान वापस पाने के लिए तुम्हें आरती को नीचे गिराना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि आरती सबकी नजरों में गिर जाए, तभी एक घर बच पाएगा। आज इस घर की जो हालत है उसकी वजह सिर्फ आरती है। आज आरती की वजह से क्राइम वाले प्रेम पर शक कर रहे हैं। आरती के पिताजी की वजह से भैया जेल में पड़े हैं, इसलिए आरती को यहां आए। तुम कुछ नहीं हासिल कर पाओगे मधुरिमा, कुछ भी नहीं। आपकी एक एक बात सच है दीदी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मैं तुम्हें समझाती हूं अब तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले प्रेम और आरती के बीच एक बहुत बड़ी खाई खोदनी है, एक ऐसी खाई जिसमें डूबकर चाहे आरती मर जाए लेकिन वो प्रेम तक कभी पहुंच नहीं सके। अपना स्वाभिमान बनाए रखने के लिए, अपना सम्मान समाज वापस लाने के लिए तुम्हें आरती को नीचे गिराना होगा। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि आरती की नजरों में गिर जाए।